अच्छा वो पेन ड्राइव आपके पास था क्या? वो नहीं, चलो चल जाए, कल परसों जरूर। वेल, अपनों का पहला टॉपिक जो रहा था वो था संबित के बारे में। मैं सोचता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा टॉपिक अपने शुरू किया देह गुहा का, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अंतर्गत मैंने आपको पहले समझाया स्पंजोसील के बारे में। स्पंजोसील का दूसरा नाम क्या बताया था? पैरागैस्ट्रिक, मानी पार्श्व जठर गुहा। और उसका उदाहरण क्या था? पोरिफेरा। क्या होगा ना याद, रिवाइज तो क्या होगा? तो जितने भी पोरिफेरा के सदस्य हैं, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि पोरिफेरा के सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है? स्पंज के नाम से। तो जितने भी स्पंज हैं उनकी देह गुहा कौन है? स्पंजोसील। दूसरे नंबर पे अपने जो कवर किया वो था सिलेंटिरोन। सिलेंटिरोन का दूसरा नाम याद करिए, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी जठरवाहिनी गुहा। इसका नाम जठरवाहिनी गुहा क्यों रखा था? दो काम करता है, एक तो इसमें भोजन का पाचन होगा और दूसरा पाचित भोजन का संवहन होगा। अब ये किन में मिलेगी? सिलेंटेरेटा प्राणियों में। और सिलेंटेरेटा के अलावा दूसरा उदाहरण, वेरी गुड, टीनोफोरा। ये तो मैं करवा चुका, अब आज शुरुआत करिए आप। एक शब्द है एसिलोमेटा, एसिलोमेटा मनी ए गुहिये, नाम भी बता रहा है, ए गुहिये, ए सिलोमीटा, यानी वे प्राणी जिनमें देह गुहा का अभाव होता है। पर सवाल ये उठा कि देह गुहा बनती नहीं है या बाद में किसी से भर जाती है आकर? तो पहली शुरुआत करिएगा, लिखिए वे प्राणी जिनके शरीर में देह गुहा का अभाव होता है। वे प्राणी जिनके शरीर में देह गुहा का अभाव होता है। अब ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इन दी सेंस कि पहले तो इसका उदाहरण लिखिएगा, इसका उदाहरण है प्लेटी हेलमिंथीज।
अब इसकी तो नाम हिंदी भी ये रहेगी, प्लेटी हेल मिन थीस। तो प्लेटी हेल मिन थीस के अपन वर्गीकरण में पढ़ेंगे, जितने भी प्राणी आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एगुहिये, एस्टिलोमेट। अब वही क्वेश्चन है कि इसकी विशेषता क्या है, और मैं इसको लिखूंगा वही वापस इंपॉर्टेंट और स्टार पॉइंट। एक्चुअली इन प्राणियों में देह गुहा का निर्माण होता है, पर बाद में विशेष ऊतक बनते हैं। ऊतक बनी टिश्यू, विशेष ऊतक बनते हैं। और इन ऊतकों के कारण ये देह गुहा भर जाती है। तो ज्यादातर क्वेश्चन इन ऊतक पे आते हैं, और इन ऊतकों को एक बार ले समझ लो फिर लिखवा दूंगा। इन ऊतकों को कहते हैं पैरेन्काइमा, ये क्वेश्चन बार बार आता है, हिंदी भी यही रहेगी, पैरेन्काइमा। क्वेश्चन है पैरेन्काइमा ऊतक किन प्राणियों में पाए जाते हैं, प्लैटिहेल्मिन्थीस। एक और अच्छा क्वेश्चन इसके साथ जुड़ा हुआ है, मैंने तीन जनन स्तर बताए थे ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो पैरेन्काइमा ऊतकों की उत्पत्ति किससे होती है? पैरेन्काइमा ऊतकों की जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति होती है मीजोडर्म से, मीजोडर्म से, क्योंकि इनको इनकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। तो इनका दूसरा विशेष नाम हो गया मीजन काइमा, मीजन काइमा। तो मीजन काइमा, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके, दोनों के साथ इंपॉर्टेंट है कि पैरेन्काइमा का दूसरा नाम या पैरेन्काइमा ऊतकों की उत्पत्ति होती है मीजोडर्म से। तो लिखिएगा, इन प्राणियों में देह गुहा का निर्माण होता है, देह गुहा का निर्माण होता है, लेकिन बाद में अर्थात भ्रूणीय विकास के समय, अर्थात भ्रूणीय विकास के समय इनमें विशेष ऊतक बनकर भर जाते हैं, विशेष ऊतक बनकर भर जाते हैं। कंटिन्यू, इन ऊतकों को पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं, अंग्रेजी भी साथ लिखना, विशेष ऊतक आकर भर जाते हैं, इन ऊतकों को पैरेन्काइमा ऊतक भी कहते हैं। फुल स्टॉप एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेन्काइमा ऊतकों की उत्पत्ति, पैरेन्काइमा ऊतकों की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, मीजोडर्म से होती है, इसलिए इनको मीजन काइमा ऊतक भी कहते हैं।
इन ऊतकों की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, इसलिए इनको मीजेनकाइमा ऊतक भी कहते हैं। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, ये तो रहा अपना तीसरी बॉडी कैविटी मानी एसिलोमेटा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सूडोसीलोम। सूडोसीलोम, सूडो मानी कूट, सीलोम मानी गुहा, कूट गुहा। और जिन प्राणियों में ये कूट गुहा मिलेगी ना, उनको कहेंगे कूट गुहीय प्राणी, कूट गुहीय प्राणी। समझा रहा हूं ये तो आपको, तो केवल टाइटल लिखना है कूट गुहा। फिर मैं आपको जनन स्तरों पर आता हूं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो इसकी क्या विशेषता है? ये जो कूट गुहा है ये कहां मिलती है? ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य मिलेगी, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। पर इसके चारों तरफ मीजोडर्म नहीं मिलती। देखिए, कूट गुहा के बाद अपन लेंगे वास्तविक गुहा, ट्रूसीलोम। तो पहले ट्रूसीलोम की परिभाषा सुनो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रूसीलोम में मैं आपको क्या लिखवाऊंगा? वह गुहा जो एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के मध्य पाई जाती है तथा जिसके चारों तरफ मीजोडर्म का आवरण होता है, यानी जो मीजोडर्म से स्तरित होती है, उसको कहते हैं ट्रूसीलोम, वास्तविक गुहा। और यहां अंतर क्या पड़ गया, समानता क्या है? ये भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में है, पर इसके चारों तरफ मीजोडर्म का आवरण नहीं है, ये चारों तरफ से मीजोडर्म से स्तरित नहीं होती है। क्लियर? लिखिएगा, यह गुहा एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के मध्य पाई जाती है, एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के मध्य पाई जाती है, लेकिन यह चारों तरफ से मीजोडर्म के द्वारा स्तरित नहीं होती है, मीजोडर्म के द्वारा स्तरित नहीं होती है। अर्थात इसके चारों तरफ मीजोडर्म नहीं पाई जाती है। इसके चारों तरफ मीजोडर्म नहीं पाई जाती है। उदाहरण है एस्केहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज। एस्केहेलमिंथीज में का टिपिकल प्रारूपी उदाहरण कौन है? एस्केरिस, अपने सिलेबस में एस्केरिस। तो एस्केरिस के अंदर की देह गुहा क्या कहलाएगी? नेक्स्ट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अब ये लिखवा देता हूँ, ऐसे प्राणी को क्या कहोगे आप? कूट गुहीय। क्यों मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ? ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कूट गुहीय प्राणी है, कूट गुहीय प्राणी कौन है जिसमें कूट गुहा पाई जाती है? तो लिखिए, ऐसे प्राणियों को, ऐसे प्राणियों को कूट गुहीय प्राणी कहते हैं,
ऐसे प्राणियों को कूट गुह्य प्राणी कहते हैं। क्लियर? ओके। अब आइएगा नेक्स्ट। चूसीलों, चूसीलों मनी वास्तविक देह हुआ, वास्तविक देह हुआ। तो थोड़ी देर पहले इसकी परिभाषा आपको बताई थी ना, क्या कहोगे? वह देह हुआ जो एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के पाए जाती है, के मध्य पाई जाती है, तथा जिसके चारों तरफ मीजोडर्म का स्तरण होता है। देखिएगा, वह देह हुआ जो एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के मध्य पाई जाती है, इसके चारों तरफ मीजोडर्म का आवरण होता है, अर्थात यह मीजोडर्म के द्वारा स्तरित रहती है, अर्थात यह मीजोडर्म के द्वारा स्तरित रहती है। ओके। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। चूसीलों बनती कैसे है, बड़े इसकी उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर ये चूसीलों दो प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर चूसीलों, उत्पत्ति के आधार पर चूसीलों दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। ओके। अब पहला लिखिएगा शाइजोसीलोम, शाइजो सीलों। एक बार दोनों के नाम लिख लो। और दूसरा है एंटीरोसीलों, एंटीरो सीलों। अब अच्छे क्वेश्चन है, किन में शाइजोसीलों मिलेगी, किन में एंटेरोसीलों मिलेगी, इन दोनों में अंतर क्या है, क्या विशेषता है? और सीधा ही प्रश्न आया हुआ है, मनुष्य में कौन सी देह गुहा पाई जाती है, और मैं क्वेश्चन बनाकर और पूछूंगा आपसे। अब एक एक करके इनका अंतर देखें अपन। ओके। पहले लेते हैं
शाय जोशीलो, एक बार हिंदी तो मैंने लिखी दी थी, शाय जोशीलो। ओके, माना ये हमारे पास तीन जनन स्तर हैं, एक जनन स्तर, दूसरा जनन स्तर और मानो ये तीसरा जनन स्तर है। ये है मीजोडर, मीजोडर। ये मानिए एंडोडर, एंडोडर, और इसको मानिए एक्टोडर, एक्टोडर। अब जब भ्रूणीय विकास होगा तो मीजोडर में एक खांच विकसित होती है, एक स्प्लिट खांच। कैसे? माना ये अपनी एक्टोडर, ये यहाँ एंडोडर, और यहाँ विकसित हुई एक स्प्लिट खांच। अब ये जो खांच आगे विकसित होगी, ये मानिए आप एक्टोडर्म, ये मानिए आप एंडोडर्म, और ये मीजोडर्म विकसित हो गई। तो आप अपनी परिभाषा लागू करो इस पर। ये कौन है? एक्टोडर्म। ये कौन है? एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के मध्य की गुहा, जिसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? मीजोडर्म। तो ये तो कौन हो गई? ट्रूसीलोम। अब जब ट्रूसीलोम का निर्माण मीजोडर्म के फटने से होता है तो ये कौन हो गई? शाइजोसीलोम। ये शाइजोसीलोम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब माना ये एक बार लिखती हूँ दोबारा, ये एक्टोडर। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूं मैं, ये एंडोडर। अब आप देखिएगा, आपके पास दो मीजोडर्म हैं, एक तो वो मीजोडर्म जो एक्टोडर्म के साथ है, और दूसरी वो मीजोडर्म जो एंडोडर्म के साथ है। क्लियर है कि नहीं? तो जो मीजोडर्म एक्टोडर्म के साथ है उसको क्या कहोगे, और जो एंडोडर्म के साथ है इसको क्या कहेंगे? ये कहलाती है सोमेटोप्ल्यूर। अभी हिंदी लिख दूंगा, सोमेटोप्ल्यूर, और ये कहलाती है, थोड़ा सा टिपिकल नाम है, साधारण नाम है मेरे पास, लिखवाऊंगा अभी, स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। ये हो गया स्प्लैंक्नोप्ल्यूर।
इस प्लैंकटन, इस प्लैंकटन प्योर, इस प्लैंकटन प्योर, इतना तो बनाओ डायग्राम आप लोग, उसके बाद ही समझाओ। डायग्राम की पोजीशन तो स्थिति समझ में आ गई ना, तीन जनन स्तर, एक्टोडर, मेजोडर, एंडोडर। भ्रूण विकास के समय मेजोडर में खांच बनी, स्प्लिट बनी, वो स्प्लिट विकसित हो गई और देह गुहा का निर्माण किया। इस देह गुहा का नाम रख दिया शाइजोसीलम। देहिक मेजोडर्म, इसकी हिंदी होगी, सोमेटिक मेजोडर्म मानी देहिक विसरण, और इसकी हिंदी तो विसरल ही रहेगी, आंतरिक विसरल मेजोडर्म। सोमेटोप्लूर का सोमेटोप्लूर का दूसरा नाम, हिंदी नाम देहिक मेजोडर्म, और उसका दूसरा नाम पैराइटल मेजोडर्म। भी काफ़ी क्लियर आपको हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा मैंने तरीके से इस डायग्राम को समझाया है। अब डायग्राम बना लो तो मैं लिखवा दूँ इसके बारे में। मैं जो टॉपिक चल रहा है अभी डायग्राम बनाते समय आपको रनिंग कमेंट्री दे दूं, टॉपिक है अपना ट्रू सीलोम का। ट्रू सीलोम की परिभाषा आपने लिखी, यह है एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के मध्य की गुहा है जो मेजोडर्म के द्वारा स्तरित रहती है। उत्पत्ति के आधार पर ट्रू सीलोम दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला है शाइजोसीलोम और दूसरा है एंटेरोसीलोम। हम अभी डील कर रहे हैं शाइजोसीलोम को। शाइजोसीलोम की परिभाषा आपने क्या लिखी है कि वह वास्तविक देह गुहा जिसका निर्माण मेजोडर्म के फटने से होता है, अर्थात मेजोडर्म में एक खांच उत्पन्न होती है, उस खांच के द्वारा ये मेजोडर्म बनती है।
तो ये खांच है, ये जो बनी कौन है? खांच, खांच, खांच बनकर ये कौन बन गई? शाही जोशी लोग। क्लियर? डायग्राम इज कंप्लीट। अब क्वेश्चन इज एग्जाम्पल, उदाहरण। तो इसके उदाहरण में कौन आएगा? इसके उदाहरण में आएगा इसके उदाहरण में है आप कहां तक पहुंच गए थे? प्लैटियल मेंथिस तक। प्लैटियल मेंथिस के बाद वर्गीकरण में किसका नंबर आता है? एनिलिडा। एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। ये तीन प्रमुख संघ हैं जिनमें शाइजोसीलों पाई जाती है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो, वैसे तो जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का है आपसे, मैंने फर्स्ट ग्रेड में तो मान के चलो क्वेश्चन रखा ही हुआ है, पर जो आखिरी के 15-20 क्वेश्चन जो मुश्किल आते हैं उनमें क्वेश्चन आ सकता है। मेरा प्रश्न है, मैं आपका एक माहौल बनाऊं। आपने स्किन तो पढ़ी होगी त्वचा तो, और शुरू के लेक्चर मैंने बताया था त्वचा के दो प्रमुख परतें हैं, एक कौन है? एपिडर्मिस, और दूसरी कौन है? डर्मिस। याद आ गया होगा? मेरा प्रश्न है, त्वचा की डर्मिस का निर्माण होता है, पहली चॉइस मीजोडर्म से, दूसरी चॉइस सोमेटोप्यूर से, तीसरी चॉइस स्प्लैंकनोप्यूर से, और चौथी चॉइस ऑल द अबव। All the above. All the above. सोच के ओके। अब इसमें दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं, मिजुटन भी सही हो सकता है, सोमोटोप्लूर भी सही हो सकता है, पर ये क्वेश्चन है विच इज मोर करेक्ट, और इसका सही जवाब है सोमेटोप्यूर। क्यों? एपिडर्मिस का निर्माण एक्टोडर्म से, और डर्मिस का निर्माण मीजोडर्म से, और एक्टोडर्म के साथ वाली मीजोडर्म का निर्माण क्या बताया था अभी? सोमेटोप्यूर। तो करेक्ट आंसर कौन हो गया? सोमेटोप्यूर। क्लियर? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दो। परिवर्तन है, मैं एक की तीसरी चॉइस को बदल देता हूं, और तीसरी चॉइस में अपन लिख देते हैं पैराइटल मीजोडर्म। तीसरी चॉइस में दे देता हूं पैराइटल मीजोडर्म की,
पैराइटल मेसोडर्म। अब क्या होगा इसका सही जवाब? अब हो गया फोर्थ। और मान लीजिए, ये समझ में आ गया ना फोर्थ क्यों है। मान लीजिए मैं और परिवर्तन करूं, और परिवर्तन करके इसकी जगह में एक शब्द दूसरा जोड़ दें, इसको भी हटा दो आप, और इसकी जगह दे दो आप स्प्लैंकनोप्यूर, और इसकी जगह दे दो आप विसरल मेसोडर्म, तब कौन हो जाएगा? तो भी सोमेटोप्यूर हो जाएगा। बड़ी चॉइस बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको कि सोमेटोप्यूर है क्या, सोमेटिक मेसोडर्म है क्या, पैराइटल मेसोडर्म है क्या, या मैं चॉइस बदल दूं कि डर्मिस का निर्माण होता है पैराइटल मेसोडर्म, सोमेटोप्यूर, सोमेटिक मेसोडर्म, ऑल द अबव लाइक दैट। अब इसके उदाहरण तीन हो गए और ये क्वेश्चन इसके हो गए। ये तो रहा कौन, शाइजोसीलोम। ओके, अब दूसरा कौन है, एंटेरोसीलोम। एंटेरोसीलोम, चलिए माना वही तीन जर्म स्तर बनाइएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, स्लीपी होता नहीं बोर्ड एक्चुअली। तीन जनन स्तर, तीन ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म को मैं एक साथ बना लूं, बार बार कलर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माना ये एंडोडर्म है, मानिए ये एक्टोडर्म है, इस डायग्राम में भी ये एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म, और ये हो गया एंडोडर्म। भ्रूणीय विकास जब होता है तो मेसोडर्म का निर्माण हमेशा दोनों के मध्य होता है, तो माना ये मेसोडर्म है, मेसोडर्म। अब शाइजोसीलों में तो मेसोडर्म फटी थी, या मेसोडर्म फटती नहीं है, यहां मोटा ज्यादा हो गया, यह मेसोडर्म से एक पाउच का निर्माण होता है। पाउच को आप थैली कह सकते हो, पाउच, एक थैली का निर्माण होता है। उत्पत्ति में अंतर देखिए आप, और ये थैली एनलार्ज होगी, और एनलार्ज होकर देह गुहा का निर्माण करेगी। देह गुहा का निर्माण करेगी, ये
होकर देह को आप बनाएगी ना ऐसे, देह को आप बना। तो ट्रिसिलोम की परिभाषा एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के मध्य की गुहा जिसके चारों तरफ मेसोडर्म ट्रिसिलोम। यदि इस मेसोडर्म का निर्माण, इस ट्रिसिलोम का निर्माण मेसोडर्म से पाउच के रूप में होता है, थैली के रूप में होता है, उसको क्या कहोगे? एंटेरोसीलोम। तो ये कैविटी कौन हो गई अपने पास? एंटेरोसीलोम हो गई। ये कैविटी कौन हो गई? एंटेरोसीलोम। अब यहां भी दो ही मेसोडर्म हो गई। एक कौन सी मेसोडर्म? जो एक्टोडर्म के साथ है, और दूसरी मेसोडर्म जो एंडोडर्म के साथ है। इसका नाम क्या कहोगे आप? सोमेटोप्लूर या सोमेटिक मेसोडर्म? मेसोडर्म। और इसका क्या नाम दोगे? स्प्रेक्नोप्लूर या विसरल मेसोडर्म? मिश्रल मेसोडर्म। डायग्राम ड्रॉ करो। वही परिभाषा आपके पास सेट हो रही है यहां। आप डायग्राम बनाओ जब तक मैं रनिंग कमेंट्री देता हूं आपको। बानी ट्रिसिलोम वह गुहा जो एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के मध्य पाई जाती है तथा जिसके चारों तरफ मेसोडर्म का आवरण होता है, ट्रिसिलोम कहलाती है। यदि ट्रिसिलोम का निर्माण मेसोडर्म से एक थैली के रूप में होता है, उसको हम एंटेरोसीलोम कहते हैं। तो यही यहाँ ये बीच वाली जनन स्तर जो है मेसोडर्म है। मेसोडर्म से भ्रूण अवस्था में एक पाउच का निर्माण हुआ, पाउच एनलार्ज होता है, वृद्धि करता है, वृद्धि करके देह गुहा का निर्माण करता है, और ये पाउच से बनी देह गुहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया एंटेरोसीलोम। तो आप लिखिएगा इसकी परिभाषा। वह वास्तविक देह गुहा वह वास्तविक देह गुहा जिसका निर्माण मेसोडर्म से एक थैली अर्थात ब्रैकेट में लिख दो पाउच के रूप में होता है, जिसका निर्माण एक थैली ब्रैकेट में पाउच के रूप में होता है, एंटेरोसीलोम कहलाती है। क्लियर? ओके। अब इसके उदाहरण कौन है? अपन कहां तक पहुंच गए? मोलस्का तक। मोलस्का के बाद कौन आएगा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद क्रम में कौन आएगा? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बाद क्रम में कौन आएगा? कॉर्डेटा।
त्रिकोण हो गया, त्रिशीलों का काउंट हो गया। यानी पहले अपन ने क्या लिया, स्पंजोशील, उसके बाद सिलेंटिरोन, उसके बाद एगुहिये, उसके बाद कूटगुहिये, उसके बाद ट्रूसीलोम, ट्रूसीलोम के अंतर्गत शाइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। ओके, अब एक स्टार्ट पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपके सेकंड ग्रेड के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। हीमोसीलोम हीमोसीलोम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हीमोसीलोम क्या है, क्या कोई विशेष गुहा है? यही एक अच्छा क्वेश्चन प्रश्न बन गया। हीमोसीलोम होती है एक प्रकार की कूट गुहा, एक प्रकार की शाइजोसीलोम, एक प्रकार की एटेरोसीलोम, एक विशेष प्रकार की गुहा। ही मानी ब्लड रक्त, सीलोम मानी सीलोम, तो वो सीलोम जिसमें क्या भरा हो, रक्त, उसको क्या कहोगे? मानी रक्त से भरी सीलोम को आप कहोगे हीमोसीलोम। पर ये सीलोम है कैसी, कूट गुहा है, शाइजोसीलोम है या एंटेरोसीलोम है? इसका उदाहरण क्या दें? लिखने से पहले इसका उदाहरण दीजिएगा, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके अंतर्गत अपन लिखेंगे जितनी भी लीचेज हैं, लीचेज माने जोंक, कई तरह की जोंक होती हैं, और जोंक किसका उदाहरण है? एनिलिडा का। पर मैंने सारे एनिलिडा नहीं लिखाया, मैंने लिखा है केवल लीचेज को। तो लीचेज में कौन मिलती है? हीमोसीलोम। तो इसकी उदाहरण पहले लिखो आप, लीचेज, जोंक, हीमोसीलोम। माने किसका उदाहरण है ये? एनिलिडा। और एनिलिडा में कौन सी सीलोम बताई थी? शाइजोसीलोम। वेरी गुड। तो कौन है एक प्रकार की? शाइजोसीलोम। लिखेगा यह एक प्रकार की शाइजोसीलोम है, एक प्रकार की शाइजोसीलोम है, इसमें रक्त भरा होता है, इसमें रक्त भरा होता है, इसलिए इसको हीमोसीलोम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो हीमोसीलोम है, लिसन बिफोर यू राइट, एक्चुअली ट्यूब्स के रूप में मिलती है, मानी नलिकाओं के रूप में मिलती है। तो हीमोसीलोम किस रूप में मिलेगी? गुहा के रूप में नहीं मिलकर, तो इस गुहा से नलिका कैसे बन गई? यही तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया, जो बार बार एग्जाम्स में आता, सभी तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। एक्चुअली लीचेज में एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है, लीचेज में विशेष प्रकार का ऊतक मिलता है, विशेष ऊतक। और इस विशेष ऊतक का नाम क्या है? इस विशेष ऊतक को कहते हैं बोट्राइडल टिश्यू, बोट्राइडल। देखिए इसकी कोई अलग से हिंदी नहीं है, टिश्यू, मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा,
बोट्राइडल उतक। ये जो क्वेश्चन बार बार आता है इसको मैं इस श्रेणी में रखूंगा, बोट्राइडल उतक। बोट्राइडल उतक किन प्राणियों में पाया जाता है? जोंक उदाहरण कौन है? लीच। तो ये विशेष प्रकार का उतक है, ये भी मीजोडर्म से बना है, और इस बोट्राइडल उतक के कारण इनकी देह गुहा सकड़ी होकर किस रूप में हो जाती है? नलिकाओं के रूप में हो जाती है, जिसको कहते हैं हीमोसिलोमिक सिस्टम। तो हीमोसिलोमिक सिस्टम किस में मिलता है? जोंक में। या हीमोसिलोम किस में मिलती है? जोंक में। नेक्स्ट पॉइंट, इन प्राणियों में एक विशेष ऊतक पाया जाता है जिसको बोट्राइडल ऊतक कहते हैं, बोट्राइडल ऊतक कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर दो, अच्छा नाम है, इस नाम को रटना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। बोट्राइडल ऊतक कहते हैं। फुल स्टॉप एंड कंटिन्यू। इन ऊतकों के कारण देह गुहा छोटी होकर नलिकाओं के रूप में रह जाती है। इन नलिकाओं को हीमोसिलोमिक सिस्टम कहते हैं। हीमोसिलोमिक तंत्र कहते हैं। तो हीमोसिलोमिक तंत्र किसकी विशेषता है? जोंकों की, या कहो कि हीमोसिल किस में पाई जाती है? जोंकों में। और हीमोसिल कौन है? एक प्रकार की शाइजोसिलोम। ये अकाउंट हुआ अपना देह गुहा का। क्लियर? मैंने आपके दो कंसेप्ट क्लियर किए हैं, एक सममित का, सिमेट्री का, और दूसरा देह गुहा का। देह गुहा में आज जो मैंने टॉपिक करवाए हैं वो एक तो करवाया है एगुहिये। तो दो तरह के ऊतक याद करने आज की क्लास के हिसाब से। एगुहिये प्राणियों की विशेषता कौन है? पैरेन्काइमा ऊतक। पैरेन्काइमा ऊतकों का निर्माण उत्पत्ति किससे होती है? मीजोडर्म से। इसलिए दूसरा नाम कौन है? मीजेन्काइमा ऊतक। तो इन पैरेन्काइमा ऊतक देह गुहा में आकर भर जाते हैं और देह गुहा का अभाव हो जाता है, इसलिए इन प्राणियों को कहते हैं एगुहिये। इसके बाद आता है ट्रूसीलोम, सूडोसीलोम। सूडोसीलोम और ट्रूसीलोम में अंतर कितना है? कूट गुहा और वास्तविक गुहा दोनों कहाँ मिलती हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य। अंतर कहाँ है? कूट गुहा के चारों तरफ मीजोडर्म का अभाव होता है, जबकि वास्तविक गुहा के चारों तरफ मीजोडर्म पाई जाती है। यह वास्तविक देह गुहा उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती है, शाइजोसीलोम तथा एंटीरोसीलोम। वह वास्तविक देह गुहा जिसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से एक स्प्लिट दरार के रूप में होती है, उसको कहते हैं शाइजोसीलोम। और शाइजोसीलोम के उदाहरण कौन हो गए? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। नंबर टू, वह वास्तविक देह गुहा जिसकी उत्पत्ति
मीजोडर्म से एक पाउच के रूप में होती है, एक थैली के रूप में होती है, उसको क्या कहते हैं? एंटरोसीलोम। एंटरोसीलोम के उदाहरण कौन हो गए? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ओके, अब मीजोडर्म दो प्रकार की हो गई, एक मीजोडर्म जो एक्टोडर्म के साथ है, दूसरी मीजोडर्म जो एंडोडर्म के साथ है। मीजोडर्म जो एक्टोडर्म के साथ है उसको कहते हैं सोमेटोप्ल्यूर या सोमेटिक मीजोडर्म या पैराइटल मीजोडर्म। दूसरा है एंडोडर्म के साथ वाले मीजोडर्म और इसका नाम है स्प्लैंकनोप्ल्यूर या विसरल मीजोडर्म या स्प्लैंकनिक मीजोडर्म, एक ही चीज़ है। तो तीन तीन नाम इसके हो गए, ये अकाउंट रहा ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए।